हेलो चिल्ड्रेन, सो टुडे आज क्लास में हमने जो भी सिखाया है आज मैं आपको उसका डिटेल देती हूँ कि किस तरीके से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं साइड में मैंने कुछ एटम्स लिखे हैं और उनके एटॉमिक नंबर लिखे हुए हैं, और जिन पे मैंने गोले लगाए हैं उनके एटॉमिक मास डबल ना होकर के एक यूनिट बढ़ जाते हैं। ठीक है, जैसे लिथियम का डबल 3 का डबल क्या होगा, 6 होगा। 6 में एक ऐड कर देना, 7 उसका मास होगा, बाकी सब में डबल चलेंगे। और हाइड्रोजन का भी आपको याद रखना, एक हाइड्रोजन एक ऐसी स्पीसीज है जिसका एटॉमिक मास भी 1 होता है, एटॉमिक नंबर भी 1 होता है। ओके, एंड सिमिलरली आपको सोडियम का भी याद रखना है बेटा, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसका डबल करने पे 22 होता है, पर ये आपको 23 लेना है इसका मास। ओके, एल्यूमिनियम का जो है डबल 26 होता है, बट यू हैव टू टेक 27। डोंट वरी, आफ्टर आफ्टर दिस सोडियम और नियॉन आपको सबके मासेस जो है एग्जाम में प्रोवाइडेड होंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए आपको एटॉमिक मास के बारे में, एटॉमिक नंबर के बारे में बहुत अच्छे से आइडिया होना काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन करते हैं। पहला सवाल है आपका, आपको एटॉमिक मोलर मास निकालना है वाटर का। वाटर का मोलर मास निकालने के लिए भाई स्टेप बाई स्टेप चलेंगे हम। हाइड्रोजन के बेस पे आप देख सकते हैं 2 है, तो 2 × H प्लस ऑक्सीजन के बेस पे 1 है, तो जो कुछ भी नहीं है उसे 1 मानते हैं, 1 है तो और ऑक्सीजन। ठीक है, ये ऑक्सीजन है बच्चों, 0 नहीं है। फिर इसके बाद में 2 सिमिलरली लिखेंगे, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर दोनों एक ही होते हैं, प्लस 1 × ऑक्सीजन का जो है एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो उसका डबल कितना हो जाएगा बेटा, 16 हो जाएगा। तो 16 + 2 कितना हो जाएगा बेटा, 18 यू आपका मोलर मास हो जाएगा। यू का मतलब क्या है, यूनिफाइड मास। ओके, देन सेकेंड पार्ट कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेंगे, सिमिलरली कार्बन यहाँ पे कितना है, 1 है प्लस C। ओके, 2 × O दैट इज ऑक्सीजन, सो 1 × कार्बन का 6, 6 का डबल कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, प्लस 2 × ऑक्सीजन का अगेन 16, सो 12 + 32 इज 44। सिमिलरली हम थर्ड पार्ट करते हैं बच्चों, ये है बच्चों कैल्शियम क्लोराइड का। ठीक है, कैल्शियम यहाँ पे 1 है, क्लोरीन यहाँ पे बच्चे 2 हैं। ठीक है, सो 1 × कैल्शियम का जो है एटॉमिक नंबर होता है 20, उस 20 का डबल कितना जाता है, 40। 2 × क्लोरीन, क्लोरीन का बेटा एटॉमिक नंबर है 17, 17 का डबल हो जाता है 34, बट वी हैव टू टेक इट एज 35। ठीक है, 35.5 प्रिसाइजली, अदरवाइज आप 35 भी ले सकते हैं। ठीक है, सो हम इसे 35 लेके करते हैं, एनसीईआरटी में भी 35 लेके किया हुआ, सो 40 प्लस इसका डबल कितना जाएगा, 70, 70 में प्लस 40 ऐड करेंगे तो 111 यू आ जाएगा। सो दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे टू कैलकुलेट योर मोलर मास। जो भी एक्सेप्शन है मैंने उनको सर्कल कर दिया है, आप इसे नोटबुक में लिखिएगा और याद कीजिएगा। चलिए, कन्वर्ट कैलकुलेट मास, हमें जो है इन फॉलोइंग क्वेश्चन का मास निकालना है। सबसे पहले टारगेट लिख लेते हैं, हमें मास निकालना है, हमें गिवन क्या है, 0.2 मोल। 0.2 मोल का मतलब क्या होता है, स्मॉल एन की वैल्यू आपको दी दी है, और ये ध्यान रखना है हमें ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस का मतलब होता है O2। तो O2 का हम मोलर मास निकालेंगे, अभी हमने तरीका देखा है काफ़ी आसान है, सो 2 × ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो है और मोलर मास कितना होता है बेटा, 16, और इसका कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ओके, अब हमें निकालने हैं मोल्स, कैलकुलेट द मास। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। कैलकुलेट द मास, मास हमें निकालना है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, गिवन मास, गिवन मास कैपिटल एम का मतलब होता है मोलर मास, इसका मतलब होता है मोल्स या नंबर ऑफ मोल्स। ओके, सो लेट्स ट्राई टू डू इट। सो एन की वैल्यू बच्चे हमें मिल चुकी है 0.2, जिसके पीछे भी मोल लिखा हो वो हमारा स्मॉल एन होता है। ठीक है, सो 0.2 = मास यानी एम हमें निकालना है, और हमें मोलर मास हमें पता चल चुका है 32 है। सो सिमिलरली 0.2 को हम 32 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा स्मॉल एन आ जाएगा, इसको हटाएंगे हम, 2 × 2, 2 × 5 = 10, 5 × 6 = 30, 5 × 6 = 30 और ये 5 × 4 = 20 ग्राम आपका मास आ जाएगा, 6.4 ग्राम। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सेम क्वेश्चन हो गया था इसलिए मैंने इसको कट कर दिया है, क्वेश्चन चेंज किया है, बट आप इसे बहुत अच्छे से कर पाएंगे। कन्वर्ट इंटू मोल, ठीक, जो भी आपको अमाउंट दिया हुआ है, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें आपको मोल यानी निकालना है। ठीक है, 22 ग्राम आपको दिया हुआ है, तो 22 ग्राम का ऐसा यूनिट आप समझ जाएंगे, आपको गिवन मास दिया हुआ है, और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है बेटा CO2, और इसका हम मोलर मास निकालेंगे, कार्बन यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो
कार्बन का कितना हो जाएगा, 1 × 2 12 प्लस 2 × ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 16, सो 12 प्लस 16 इज 32, 32 इज 44, ठीक, दिस इज योर मोलर मास। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू कैलकुलेट दिस स्मॉल एन, सो स्मॉल एन इज इक्वल्स टू एम डिवाइड बाई कैपिटल एम। सो यहाँ पे स्मॉल एन हमें निकालना ही था, एम हमें 22 दिया हुआ है और ये हमारा मोलर मास इज 44। 11 की टेबल में बेटा दोनों आ जाएंगे, 11 टू जै 22, 11 फोर जै 44, 2 वन जै 2, 2 टू जै 4, तो इस तरीके से हाफ या 0.5 मोल्स आपके आ चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद में ये सारे क्वेश्चंस आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा हो जाएगा आपके लिए, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। एक और टाइप इसी चैप्टर से मैंने ली थी जो क्लासरूम में पढ़ाई थी, वो थी मेकिंग ऑफ द केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। क्वेश्चंस थोड़े से वेरी हो सकते हैं लेकिन कंसेप्ट सेम ही रहेगा, तो चलिए करके हम करना स्टार्ट करते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड का बच्चों में फॉर्मूला बनाना है, मैग्नीशियम क्लोराइड। सबसे पहले तो आपको इनके एटम्स लिखने आने चाहिए, मैग्नीशियम का मतलब होता है Mg, क्लोराइड का मतलब होता है Cl, ओके। बहुत ज़्यादा अगर आप फॉर्मूले देखेंगे तो उसमें क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड इस तरीके की चीज़ें आती हैं, ये फिक्स्ड है। देखो यहाँ पे भी क्लोराइड दिख रहा है, यहाँ पे भी क्लोराइड दिख रहा है, तो इसके लिए आप एक ट्रिक समझ लीजिए कि आपको कुछ चीज़ें याद करनी है बच्चों, जैसे ग्रुप वन और ग्रुप टू, ठीक है। ग्रुप वन बच्चे आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, है ली ना की रब से फरियाद, ये बेटा इस सब की वैलेंसी वन होगी, इन सब की वैलेंसी वन होगी, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। और जो ग्रुप टू है बेटा उसका है बी मग का सर बा रा, या फिर आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। सो दिस ग्रुप कम्प्लीटली बिलोंग्स टू द वैलेंसी ऑफ टू, ठीक है। बी मतलब बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बैरियम, रेडियम, ओके। देन कम्स टू योर दिस हेलोजन फैमिली ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं FCBI, ठीक है, FCBI, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब की वैलेंसी भी वन होती है, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो देखिए बेटा मैग्नीशियम जो है मैग्नीशियम ग्रुप टू से बिलोंग करता है, इसकी वैलेंसी कितनी होगी, डायरेक्ट टू होगी। क्लोरीन की कितनी हो जाएगी, वन हो जाएगी। ये काफ़ी शॉर्ट तरीका है अगर आप ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, बट इफ़ यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट मोर टाइम फॉर दिस यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द लॉन्गर मेथड। लॉन्गर मेथड क्या कहता है बेटा, मैं उस तरीके से अभी आपको बता देती हूँ, ये मैग्नीशियम, ये है क्लोराइन, ठीक है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, क्लोरीन का है 17, इसको हम लिखेंगे 282, इसको हम लिखेंगे 287, ठीक है बच्चों। सो जो भी आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही इसकी वैलेंसी होते हैं, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी बच्चे 2 हो जाएगी, क्लोरीन की वैलेंसी 7 नहीं होगी क्योंकि 5 से ग्रेटर है, तो सबट्रैक्टेड फ्रॉम 8, ठीक है, 8 से घटाने पर ये 1 आ जाएगी, और अब जा करके आप क्रिस क्रॉस करेंगे एंड यू विल गेट मैग्नीशियम क्लोराइड। सो दिस इज़ द ट्रेडिशनल तरीका एंड इट इज़ लिटिल लेंदी एंड यू हैव टू लर्न सो मैनी थिंग्स फॉर दिस, बट इफ़ यू गो फॉर दिस दिस इज ट्रिक बेस्ड तरीका, सो विच एवर यू लाइक यू मे प्रोसीड, आई हैव टोल्ड यू द बेसिक्स एंड लेट्स डू सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ओके। सो फॉर दिस कैल्शियम को बच्चे हम लिखते हैं सी ए, ऑक्साइड ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन को हम लिखते हैं ओ, ठीक है। नाउ कैल्शियम अब आप देखते हैं, देख सकते हैं कि ग्रुप टू में फॉल कर रहा है, तो ये इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और जो ऑक्सीजन फैमिली है, ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली है, उसका बेटा कोड है ओ एस से टिपो, ओ एस से टिपो, इस सब की वैलेंसी भी 2 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप 2 रख लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे इसे कट कर दीजिए, 2 1 2 2 1 2, और ये हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। आप चाहें तो इसे ऐसे भी रख सकते हैं, अगर आप 2 2 नहीं कट करना चाह रहे हैं तो आप ऐसे भी रख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। अगर आप इसे ट्रेडिशनल तरीके से करना चाहते हैं तो बेशक कर सकते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, हो जाएगा 2882, इसका हो जाएगा 2826, ओके। सिंस इट इज़ ग्रेटर देन 5, सो सबट्रैक्ट फ्रॉम 8, 8 माइनस 6 इज 2, ये इसकी वैलेंसी हो जाएगी, और इसकी वैलेंसी ये 2 आपको दिखी गई है, बस आप क्रिस क्रॉस कर देंगे और आपका कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा, ओके। नाउ लेट्स सी अ थर्ड क्वेश्चन, कॉपर नाइट्रेट। अब यहाँ पे आप स्टार लगा लीजिएगा बच्चों, यहाँ पे आप काफ़ी गलती करते हैं, कॉपर
नाइट्रेट। अच्छा बेटा, कॉपर है, सिल्वर है, इन सब की वैलेंसी वन ही होती है, ठीक है। कोई भी अगर आपको मैंने ये जो छोटी सी पीरियोडिक टेबल है आपकी, 10 से बाहर कोई भी मेटल दिया, उसकी वैलेंसी वन ही होती है, क्योंकि हैवी मेटल्स ज़्यादातर प्लस वन को प्रेफर करते हैं। सो कॉपर को हम लिखते हैं बेटा Cu, नाइट्रेट को हम लिखते हैं NO3। बेटा इसको बड़े ध्यान से याद कर लेना, आपको नाइट्रेट को NO3 बोलते हैं, ठीक है। और नाइट्रेट का जो चार्ज होता है, जो वैलेंसी हो सकती है होती है, वो हम -1 होती है, क्योंकि हम प्लस माइनस से कुछ लेना देना नहीं है, तो आप प्लस माइनस नहीं भी लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये हो जाएगा कॉपर नाइट्रेट, ठीक है। और मैं यहाँ पे बोली थी स्टार इसलिए लगा लीजिए क्योंकि हमें बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन आती है। अच्छा ये जो है ये आपको याद करना है, जैसे नाइट्रेट को हम NO3 लिखते हैं, NO3 -1, दिस इज़ योर नाइट्रेट, ठीक है। और सल्फेट को हम ऐसे लिखते हैं, ये इसकी वैलेंस हो जाएगी जो 2 लिखी हुई सल्फेट, ठीक है। इसको CO32- को हम कार्बोनेट लिखते हैं, ठीक है। फॉस्फेट को फॉस्फेट, ठीक है। तो ये जो भी बेटा ऊपर लिखा हुआ है ना, ये 2 है, 2 है, 2 है, सब इनकी वैलेंसीज हो जाती हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं बच्चों, एल्यूमिनियम क्लोराइड, बहुत इजी है। एल्यूमिनियम क्लोराइड, क्लोराइड अगेन आप समझ गए होंगे, क्लोराइड यानी क्लोरीन से ये है और ये एल्यूमिनियम है आपका। एल्यूमिनियम बच्चे आपका ग्रुप 13 से बिलोंग करता है, ठीक है। ग्रुप 13 के लिए आपका कोड होता है बच्चे BAG8, BAG8, ठीक है। ये है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, ठीक है। सबकी वैलेंसी 3 होती है, ठीक है। सो ये 3 है, इसका 1 है, क्रिस क्रॉस करेंगे आपका फॉर्मूला बन जाएगा AlCl3। या फिर आप इसको ट्रेडिशनल तरीके से भी करते हैं तो ये इस तरीके से हो जाएगा, एल्यूमिनियम इज 13 एटॉमिक नंबर, इसका है 17, जान चुके हैं मैं पहले, बता चुकी हूँ, इसका 7 8 से माइनस करके, ठीक है। इसका हो जाएगा 2 8 3, बस अब क्रिस क्रॉस कर दीजिए आपका फॉर्मूला आ जाएगा। ओके नाउ कम्स टू योर कैल्शियम कार्बोनेट, इनको यहीं पे कर देते हैं। कैल्शियम को Ca बोलेंगे, कार्बोनेट को CO3 2- बोलेंगे, ठीक है। तो कैल्शियम और ये इसकी वैलेंसी हो जाएगी, ठीक है। 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे कट होकर के कैल्शियम CaCO3 बन जाएगा। ओके सोडियम नाइट्राइट, सोडियम को Na बोलेंगे, नाइट्राइट को NO2 बोलते हैं, इसलिए मैं स्टार लगवा रही थी आपसे नाइट्राइट और नाइट्रेट पे। नाइट्रेट का मतलब होता है बेटा NO3- 1, और नाइट्राइट का मतलब होता है NO2- 2, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी 1 है, तो ये हो जाएगा बेटा आपका Na NO2, ठीक है। ये मैंने अपनी तरफ से डाला है ताकि आपको नाइट्राइट और नाइट्रेट में फ़र्क समझ में आए। नाइट्रेट मीन्स मोर ऑक्सीजन, दैट इज NO3- 1, ऑक्सीजन ज़्यादा है इसलिए वैलेंसी -1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे कम है NO2 इसलिए वैलेंसी ज़्यादा है -2। ओके सो दिस इज दैट, बोथ पे ट्रिक्स के साथ भी और ट्रेडिशनल तरीके के साथ भी मैंने आपको सिखाए हैं, ठीक है। आई होप आपको ये सब समझ में आएगा। पॉज द वीडियो एंड प्रैक्टिस मोर मैनी मोर क्वेश्चन, वेन एवर यू फेस द प्रॉब्लम यू कैन डेफिनेटली राइट टू मी। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।